मैं आपके लिए भैया एक वीडियो लेके आया हूँ। आप लोगों के लिए हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ भैया। मेरा काम खुद का काम डीजे का है। मैं आपके लिए कुछ जानकारी ऐसी दूंगा कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि डीजे बनाना चाह रहे हैं, कुछ लोगों ने काम कर रखा है भैया कि उसमें ऐसा होता है भैया कि अपना जैसे कि कहीं से नया डीजे लेते हैं। मैं आपके लिए मटेरियल के बारे में बताऊंगा कि कौन सा मटेरियल कितने रुपए में बनके तैयार होगा, क्योंकि मैं सन 2007 से काम कर रहा हूँ डीजे लाइन में। मेरा खुद का काम कैबिनेट बनाने का है और आपके लिए ऐसी जानकारी दूंगा जैसे कि मशीन है, स्पीकर है, हाइस है और कैबिनेट है, 12 इंची है, 15 इंची है, 18 इंची है, सबकी कैबिनेट का मटेरियल के बारे में जानकारी दूंगा। तो भैया क्या होता है कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि हमारे लिए जैसे कि मैं एक बंदा हूं, मैं तो सन 2007 से काम करता हूं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जैसे कि मुझे लेके चल दो आप, ठीक है भैया। तो चक्कर क्या होता है, मुझे ये जानकारी नहीं है कि मैं 1.5 लाख रुपए में क्या बनवा पाऊंगा। तो चक्कर क्या है भैया, मैं उसके लिए बता रहा हूँ आपके लिए मटेरियल के बारे में क्या क्या बन जाएगा 1.5 लाख रुपए में, मतलब कि 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक का। भैया देखो ऐसा होता है कि हमारा बजट तो जा रहा है सामान का ज्यादा पैसे का, मेरे पास थोड़ा कम है, मुझे लेके चल दो, या फिर आप हो, कोई और भैया हो, या फिर कोई अंकल जी हो, तो मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा आपके लिए कि 1.5 लाख रुपए में आपका ऐसा सेटअप चल जाएगा देहात के हिसाब से कि आपके लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या तो आप मुझसे मिलें, मेरा नाम राधे डीजे है, अतरौली रोड रेलवे स्टेशन यानी कि रायपुर स्टेशन, मेरी खुद की दुकान है, खुद की जगह है, मैं यहीं पे काम मतलब माल बनवाता हूँ। एक मेरे चाचा जी हैं दीप लगड़ा के, वो ही बनाते हैं माल के लिए मेरा। नंबर दूसरी बात, उसी पॉइंट पे आते हैं दोबारा से जो 1.5 लाख रुपए की बात चल रही थी, ठीक है भैया। तो 1.5 लाख रुपए में आपके लिए सबसे ज्यादा मेन चीज की जरूरत पड़ेगी कि आप काम करना चाह रहे हो तो कम से कम 15 इंची 4 टॉप चाहिए आपके लिए, 4 टॉप 15 इंची चाहिए। और भैया 4 टॉप के बारे में मैं आपके लिए पूरी जानकारी दूंगा, क्या लगवाना है, कैसे लगवाना है, क्या है आपका, क्योंकि भैया आपका 1.5 लाख रुपए बजट है। उसके लिए ना ज्यादा वीडियो खींचते हुए ओनली 5 मिनट की वीडियो आपके लिए खींचूंगा बस। लेकिन ऐसा होता है कि डीजे के मामले में मैं बता रहा हूं आपके लिए 4 15 इंची आपके लिए तैयार करवाने, तो क्या करवाना है आपके लिए, 3 इंची कॉल में स्पीकर डलवाने, 2 इंची मतलब 2 डबल मैग्नेट स्पीकर लेना और 450 हाइस लगवानी है, 4 तो आपके लिए 15 इंची बनवाने। मटेरियल के बारे में आपके लिए समझा रहा हूं, आपके लिए 3 किलोवाट का एक स्टेबलाइजर ले लेना है और आपके लिए एक बोर्ड बनवा लेना अच्छा सा, आप मुझसे ले लो या फिर किसी और से ले लो, आपके पास और भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, मतलब कि मैं ऐसी जानकारी दूंगा आप कभी भी कहीं भी मात नहीं खाओगे, 1.5 लाख रुपए में भी कहीं भी मात नहीं खा पाओगे। अच्छा नंबर दूसरी बात भैया कि मैंने आपके लिए 4 कॉलम तो बनवा के मतलब कि आपके 4 कॉलम के बारे में बता दिया कि 4 कॉलम ऐसा होता है कि आप 15 इंची 4 कॉलम बनवाइए पहले, तो फिर उसके बाद में मेन चीज रह जाती है स्टेबलाइजर 3 किलोवाट, ठीक है भैया। अच्छा 3 किलोवाट के बारे में बाद में आता है एक मिक्सर होता है, उसके बाद में आपकी मशीन आप 2000 वाट हो 3000 वाट हो, लेकिन टॉपों के लिए आपके लिए फुल जानकारी दूंगा, कम से कम प्रॉपर 4000 वाट होनी चाहिए, 4000 वाट चलाएगी, 3 इंची कॉल होगी, डबल मैग्नेट होगा और पेयर आप जो पसंद हो आपके लिए वो भी दिखवा दूंगा अगली वीडियो में। मिक्सर हो गया आपका, 4 टॉप हो गए, स्टेबलाइजर हो गया, बोर्ड हो गया, और अब आ जाती है एक और उसकी बात बेस की, अगर आपके पास 2 तक का बजट है तो आप 2 बेस बनवाइए 18 इंची, ठीक है। कैबिनेट लीजिए, मुझसे लीजिए या फिर किसी और से लीजिए, तुम्हारा कमल में ले लीजिए या फिर आप पेंट में ले लीजिए, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी बजट की बात बता रहा हूँ, कि कुछ लोग नहीं जानते हैं कि 1.5 लाख रुपए में कैसा सेटअप तैयार होगा। मैं बताता हूँ आपके लिए कि 1.5 लाख रुपए में 2 बेस आ जाएंगी आपकी, 4 इंची कॉल होगा, 18 इंची होगा, पीछे की बैकग्राउंड 2.5 के लमसम में होगी या फिर मतलब 3.5 फुटा तो उसकी चौड़ाई होती है JBL की, सिंपल सा तरीका है। और आपके लिए उसके लिए मशीन लेनी पड़ेगी कम से कम 5000 वाट,
उसमें कम से कम 5-4 वर्ड होगी, तब जाके उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये तो आपके बेस हो गए, एक दो मशीन हो गई, 4 टॉप हो गए। अच्छा, उसके बाद में आ जाती है, जैसे कि कुछ बंदे गांव के अंदर बजाने जाते हैं कि भैया हमें चाहिए एलईडी, तो आपके लिए ज्यादा नहीं तो वाइसन कंपनी की ओरिजिनल एलईडी मुझसे ले या फिर किसी और से ले, मतलब कि उसमें 6 एलईडी ले ले, या फिर आपका बजट कम है तो 4 ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसा होता है कि एलईडी आप चला रहे हो, वाइसन कंपनी की भी आती है, कोई और लूजिंग भी आती है, तो मेरा कहने का मतलब ये है भैया कि मैं आपके लिए इसलिए वीडियो लेके आया हूं एक, कि मेरा काम एक डीजे का है, मुझसे ले या ना ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके लिए नीचे नंबर लिखवा के जो भी है डलवा दूंगा या फिर डाल दूंगा, नीचे रीडिंग में चलेगा नंबर, वहां से नंबर ले लीजिए। और एक विशेष ध्यान रखें, जब आप बेस वाली कैबिनेट खरीदें तो उसमें 19 mm प्लाई देखें, 19 mm प्लाई होनी चाहिए, 16 गेज की जाली होनी चाहिए, अंदर फॉर्म लगी हुई होनी चाहिए, हैंडल मजबूत होने चाहिए। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह है कि 1.5 लाख रुपए में आप अच्छे से अच्छा डीजे बना सकते हैं। ठीक है सर। और नंबर दूसरी बात, एक जो मेरे भैया हैं जो वीडियो मेरी बना रहे, तो उनका ममता फोटो स्टूडियो अथरौली रोड रेलवे स्टेशन, उनका मैं नीचे भी नंबर दे दूंगा आपके लिए चाहिए तो, जैसे कि शादी विवाह के लिए संपर्क करते हैं, थोड़े भैया मेरे अपने हैं तो इसलिए मैं दे रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी आपके लिए चाहिए मैं दे दूंगा। और भैया एक और चीज की आपके लिए जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि फ्लोर वगैरह लगवाते हैं तो उसमें बजट तो पहुंच ही जाएगा 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख से कम नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब ये 1.5 लाख रुपए आपके लिए कम से कम खर्च करने पड़ेंगे देहात के हिसाब से। और डीजे लाइन में तो ऐसा होता है भैया 1 लाख में भी काम चल जाता है, लेकिन उसमें बेस नहीं बन पाएगी। अगर सेटअप अच्छा सा तैयार करो तो 4 पेयर बिंदास बन जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आपके लिए देखना है, आपके लिए उसमें देखना है कि हमें करना क्या है। आप कहीं से भी माल ले लीजिए, ठीक है सर, आप कहीं से भी माल ले लीजिए, मतलब कि तांग झांक के लेना है, भले मुझसे लो या फिर किसी और से लो। और नंबर भैया तीसरी बात आपके लिए बता दूं कि उसमें इतना बजट हो जाता है कि 2.5 लाख रुपए क्यों कह रहा था मैं आपसे, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तो हमारे पास है ही है, 2.5 लाख रुपए इसलिए कह रहा था कि कुछ अपनी शादी ब्याह में, मतलब कि ऐसा होता है कि मैक्सिमम गाड़ी लगा के डीजे वीजे बजाते हैं, तो उसमें आपके लिए जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, तो जनरेटर कम से कम 50,000 के लमसम का नया आ जाता है, तो आपका 1.5 तो पहले ही बता रहा था, अब हो गए उसमें 50 और जोड़ के 2 लाख रुपए हो गए। ठीक है, अब 2 लाख के बाद में ऐसा होता है कि 2.5 लाख के लमसम में, तो 2.5 लाख के लमसम में ऐसा होता है कि आपका सेटअप एक जगह और चल रहा है, आपने बेस एक और ले ली, उसके लिए मशीन भी चाहिए, 2 टॉप भी बनवा सकते हो। वैसे जहां तक है छोटा मोटा डीजे आप बारात ऐसे चढ़ा सकते हो, जैसे कि आपने एक बेस लगा दी मशीन, उसमें गाड़ी में बेस लगा दी, छोटा आदमी में मैजिक में, मैजिक आप जानते होंगे, मैजिक में आपने बेस लगा दी, 2 टॉप लगा दिए, बीच में लाइनर लगा दिया, और अपनी एक डी से आप एक एम्पलीफायर से 5,000 हो, 4,000 वाट हो या फिर 3,000 वाट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, 300 ऊपर ही होना चाहिए, उसमें क्वालिटी भी आएगी और आपका एक जनरेटर हो गया, तो तकरीबन ये मान लो कि आप 2 साई बजा सकते हो उसी से, कि 2.5 लाख रुपए में आपका काम चल जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, नंबर चौथी बात कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जिनके पास कम ही बजट होता है, जैसे कि मैं 1 लाख रुपए खर्च करना चाह रहा हूं, 1 लाख रुपए का चक्कर क्या होता है कि जैसे कि 1 लाख रुपए में ऐसा होता है कि 1 लाख रुपए में 4 टॉप बनवा सकते हो आप, एक मशीन ले सकते हो, एक मिक्सर, 4 फ्लोर और 4 एलईडी भैया, ठीक है ना। अच्छा, इतना माल लेने के बाद में आप कहीं से भी माल लें, विशेष ध्यान रखें कि आपके लिए क्या दे रहा है वो, मैं सही, मैं खुद का काम है मेरा डीजे का भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मैं पहले काम करता था सन 2000 से बजाने का, मैं खुद बजाने जाता था या फिर मेरे बंदे जाते थे बजाने, लेकिन अब मैंने थोड़ा काम क्रेज कम कर दिया, वो मेरा खुद का काम है डीजे बना के बेचना, अब मुझसे लीजिए या फिर किसी और से लीजिए। जानकारी इतने दूंगा कि आपका जो मटेरियल है ना, आपका मटेरियल इतना होना चाहिए कि आपका कोई भी चीज रहनी नहीं चाहिए,
₹1.5 लाख में आपके लिए सारा कुछ आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार मुझसे संपर्क करना, नीचे आपके लिए नंबर दे दूंगा और मैं आपके लिए एड्रेस बता रहा हूं, अथरौली रोड रेलवे स्टेशन, वहां पे मेरी शॉप है, अपना 200 गज में अपना बना हुआ है, 2-3 दुकान है भैया आपकी तरफ से जो भी है क्या नहीं है, और एक मेरे भैया है, दोबारा बता रहा हूँ, ममता ब्यूटी स्टूडियो। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि क्या होता है कि आप सेटअप या फिर कोई भी चीज लेते हो, दोबारा बता रहा हूँ भैया, सेटअप या फिर मतलब कि मान लो कि आपके लिए कैबिनेट लेनी है, आप दिल्ली से लो, बुलंदशहर से लो, कहीं से भी लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सामान के लिए जब आप पैसा डाल रहे हो तो एक बार देख लें कि मैं क्या खरीद रहा हूं।